ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

नंबर टेन का आगाज करेंगे अल्लाह का नाम लेके यूनुस जो है ये मक्की सूरत है इससे पहले बहुत बड़ी सूरत सूर अतौबा हमने कवर की वो मदनी सूरत थी और वो भी इस्लाम की मुबारक जिंदगी के जो आखिरी साल हैं उनमें वो नाजिल हुई उसका उसलू बिल्कुल डिफरेंट था मक्की सूरत पढ़ते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि मक्की सूरतों का उसलूब बिल्कुल डिफरेंट है इसमें जो मरकज़ी टॉपिक है वो अकीदा तोद के अतबार से है प्लस जो मशर्किन अरब के अंदर ग़लत अकायद और नज़रियात पाए जाते थे उनकी असलाह की गई है तोहैद के अतबार से टॉप ऑफ लिस्ट जो सूरतें हैं उनमें से एक सूर यूनुस है आम आदमी जब सूर्य यूनुस का नाम सुनता है तो वो समझता है कि शायद इसके अंदर हज़रत यूनसम की कोई बायोग्राफ़ी बयान हुई हुई, हुई होगी आप की हालात ज़िंदगी को तफसील से बयान हुए होंगे बड़ा मुख्तसर सा जिक्र हज़रत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का है इसमें चूँकि वो एक डोमिनेट पर्सनैलिटी थे उसकी वजह से इस सूरत का नाम सूर यूनुस है अदरवाइज़ अगर इस सूरत का कोई सिफाती नाम रखा जाए तो ये सूर तोहीद है जिस अंदाज में जिस पैशन के साथ तोहद इस सूरत के अंदर बयान हुई है बहुत कम सूरतों के अंदर बयान हुई है और खूसा इस्लाम की नबूत को जिस तरीके से इस्टेबलिश किया गया इस्लाम की एलान नबूत से पहले की ज़िंदगी को अल्लाह तला ने दलील बनाया है कि ये अल्लाह के पैगम्बर हैं और इसमें वो शराफाक आयात भी आ जाएंगी जो मैंने सलमान रुशदी की जो किताब स्टैनिक वर्सेस है उसके अगेंस्ट जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी उसमें भी वो आयात कोट की थी कि ए नबी इन फरमाओ कि मैं इतना अरसा तुम में रहा हूँ इससे पहले तुमने क्या मुझसे कोई ऐसी बात सुनी थी अचानक मेरे अंदर ये कॉपीटेंसी कहाँ से आ गई है कि मैं ऐसा कलाम ले कर आया उनके शौरा ने अपने कलाम फाड़ दिए हैं और कोई भी इस कलाम की खूबसूरती और पैशन का मुकाबला नहीं कर पा रहा और इसी तरीके से नबीस्म के हवाले से जो बार बार मुशरकिन अरब डिमांड करते थे मुँह बोले मोडज़े मांगते थे उसके अतबार से भी डिस्कशन आएगी कि नबी का काम ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई मुआजा ले आए ये अल्लाह की मर्ज़ी है मुआज़ा दिखा दे इस्लाम को इस हवाले से टॉन्ट करना ये बिल्कुल ग़लत है और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं तोहीद के गर्द यानी ये, ये सूरत है और इसमें वो शरा फाक आयात भी आ जाएंगी कि जब ये लोग समर में जाते हैं और मौजें हर तरफ़ से ढांप लेती हैं तो अकेले उस वक्त एक खुदा को पुकारते हैं और जब अल्लाह ताला निजात दे देता है तो दोबारा से शिर करना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने यह भी कंडेम किया है कि अल्लाह ताला के इल्म में कोई ऐसी हस्ती नहीं है अल्लाह के साथ ज़मीन व आसमान में कि जिसको अल्लाह ताला, ताला ने अपना नायब बनाया हो या उसे इख्तियार दिया हो कि लोगों की मुश्किल को वह हल करे और अल्लाह ताला इस लेवल पर है कि हमारे इल में तो कोई ऐसी बात नहीं है अब अल्लाह के इल्म से तो कोई बात निकली नहीं हुई है लेकिन ये समझाने का अंदाज़ है कि अगर हमारे इल में नहीं है तो मुराद ये कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है वैसे आप उमून ऐसी बात करें ना तो लोग इसे गुस्ताखी शुमार करते हैं जब मैं कहता हूँ ना कि कुरान के इल में तो कोई ऐसी बात नहीं है तो कहते हैं कुरान की तो होगी अल्लाह तला अपने बारे में कह रहे हैं कि हमारे इल में तो कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसको हमने कोई ऐसा उहदा तफवीज़ किया हो कि ऑन द बिहाफ ऑफ़ गॉड वो लोगों की मुश्किल हल करता हो लोगों का मुश्किल कुशा हो अल्लाह आल्ला तो किसी ऐसी हस्ती को नहीं जानता सवाए उस एक हस्ती के जो अल्लाह है तो तौहद के अतबार से सख्त आयात और बिल्कुल जिसको हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब कहते थे ना नंगी तोहैद नंगी तलवार ये नंगा लफ्ज़ वैसे तो बड़ा एक मायूब समझा जाता है तलवार के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि फ़लाँ चीज़ नंगी तलवार की तरह यानी न्याम से निकली हुई तलवार बिल्कुल जिसमें कोई शक नहीं है कि काट के रख देगी हर चीज़ को तो सूर्य यूनुस के अंदर जो तो बयान हुई है जिस तरह सूरत अनाम में है और सूर्य अज़ुमर के अंदर है उस तरीके से सूर्य यूनुस भी एक तोहैद के अतबार से बिल्कुल नंगी तलवार है अदबिल्लमिन शयतानजीम बसमिल्लर अलफलाम रॉ ये हरूफ़ मुकदत हैं और ये कोड वर्ड्स हैं ये अल्लाह और उसके नबीसलाम के दरम्यान राज है और उम्म को इसकी ज़रूरत भी कोई नहीं थी सूर आमरान की आय नंबर सेवन के कॉन्टेक्ट में मैं इसके ऊपर गुफ्तू कर चुका हूँ तिल का आयातुल किताबिल हकीम ये आयतें हैं उस किताब की जो हिकमत से भरी हुई है यानी कुरान हकीम हिकमत भरी किताब है हर चीज़ अपने फ़लसफे के अतबार से फिट इन बैठती है अकानास आजबा क्या लोगों के लिए ये बात बायस तजुब है अन मिनहम कि हमने वही भेजी उन्हीं में से एक मर्द की तरफ अंग के वो डर सुना दे लोगों को वशर आमनु और खुशखबरी दे अहल ईमान को यानी दो पर्पज हो गए प्रॉफिट को भेजने के लोगों को डर सुनाना आखिरत की जवाबदेही का और खुशखबरी देना अहल ईमान को जो वक्त के पैगम्बर की दावत को कबूल कर लें रब्बिहिम के उनके लिए उनके रब के हुजूर बहुत बुलंद मर्तबे हैं कयामत वाले दिन जन्नत में पहुंचकर जो वक्त के पैगम्बर की दावत को कबूल करेंगे अच्छा इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों को हैरानगी हुई है कि उन्हीं में से एक पैगम्बर को चुन लिया होना तो चाहिए था अल्लाह ताला नफी कर देता और कहता है नहीं ये पैगम्बर जो है तुम में से नहीं है ये हो नहीं ना सकता ये तो हमारी डॉक्ट्रिन में मशहूर है ना जी कोई पैगंबर जो है वो को अलग से मखलूक होना चाहिए पैगंबर उसी स्पीशी में से होता है सूर्य बनी सराइल में आया कि अगर ज़मीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में पैगम्बर को बनाते हैं चूंकि इंसान आबाद है तो इसमें कोई अचंपे की बात नहीं है कि पैगम्बर भी इंसानों में से आएगा खुदा न हादसा अगर पैगम्बर किसी और स्पेशी से आता फिर उन्होंने यह एतराज़ करना था कि यह हमारे लिए रोल मॉडल किस तरह है इसे तो पता ही नहीं है कि हम किस तकलीफ से गुजरते हैं तो आइडियल यही है कि पैगंबर उसी नौ में से हो उसी स्पेशी में से हो जिनकी तरफ वो मबूस किया गया ताकि उस पर वही हालात वाकयात गुजरें और वो उनके लिए रोल मॉडल बने इस्लाम को जब तकलीफ़ होती थी आपके भी आंसू निकलते थे जब आपको ज़ख्म लगता था आपका भी खून निकलता था आप भी दुखी होते थे आपके भी सर में दर्द होता था आपको भी नींद की मशक्कत उठाना पड़ती थी हर एतबार से जो एक इंसान को तकलीफें गुजारना पड़ती हैं तो नबी का मनसब यह है कि लोगों को डर सुनाए आखरत की जवाबदेही का और फिर बिशारत दे उन लोगों को जो कि बात कबूल कर लें कि उनके रब के हाँ उनके लिए बहुत बुलंद मरतबा है मुबीन जबकि काफिर ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा खुला जादूगर है नाउतुबिल्ला यानी कोई इल्मी दलील उनके पास नहीं है पैगम्बर को काउंटर करने के लिए सवाए यह कि यह जादूगर है अच्छा वो जादूगर इसलिए नहीं कहते थे कि नबील इस्लाम ने कोई उनको एक्स्ट्राऑर्डनरी कोई मोहजाद करके दिखा दिए थे वो जादूगर इस वजह से कहते थे कि नबी इलास््लाम की गुफ्त जो भी सुनता था गौर गौरव तफक् करता था वो आपकी बात को कबूल कर लेता था इस वजह से वो जादूगर कहते थे वरना तो नबी नबीलाम से उन्होंने कई मोजाद डिमांड किए हैं जो नबी इलास््लाम ने करके नहीं दिखाए और ने बनी में फरमाया कि तुम फरमा दो मैं तो बशर हूँ रसूल हूँ ये अल्लाह के पास इख्तियार है खुद से अपनी मर्जी से कोई मोर्ज़ा करके नहीं दिखा सकताम बेश तुम्हारा रब तो वो है जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को छह दिनों के अंदर अर्श उसके बाद वह अर्श पर मुस्तवी हुआ जैसा कि उसकी शान के लायक है अम्र हर काम की तदबीर वही फरमाता है मा बिन शफी इन अल्लाह इजनी उसके हजूर कोई किसी की शफात नहीं कर सकता मगर यह कि उसके इजन के बाद यानी अल्लाह के हजूर सिफारिश करने के लिए भी पहले अल्लाह की इजाजत की जरूरत है कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं आपके हजूर किसी की सिफारिश करूं ये अल्लाह की हस्ती का उसके दरबार का प्रोटोकॉल है कि उसके हुजूर किसी की सिफारिश भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं हो सकती क्यों दुनिया में जो सिफारिश की जाती है ना कोई बड़ा बंदा जाके थाने में जाके किसी की सिफारिश करता है कि यह आपने शरीफ आदमी पकड़ लिया है मैं इसकी गारंटी देता हूं आपको गलत फहमी हुई है किसी ने फैक्ट्स आपको गलत बता दिए हैं दुनिया में तो सिफारिश का कॉन्सेप्ट यही है ना अब मुझे बताएं किसकी जरूरत है कि जो अल्लाह को जाके ये कहे कि या अल्लाह ये जो बंदा तूने पकड़ लिया है ना गलती से पकड़ा गया है मुझे पता है ये बड़ा अच्छा बंदा है हाय 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 ये अल्लाह को कौन कह सकता है अल्लाह को तो सब कुछ पता है इसलिए अल्लाह तो मारा है कि सिफारिश भी करेगा ना कोई किसी की तो अल्लाह की इजाजत से करेगा यानी या अल्लाह तूने जो बंदा पकड़ा बिल्कुल ठीक पकड़ा लेकिन मुझे इजाजत अगर मिल जाए कि मैं इसकी सिफारिश करूं कि इसकी नेकियों के सब तो उसके गुनाहों से दरगुजर फरमा मुजरिम तो यह है सजा का हकदार तो है लेकिन मैं तेरे हुजूर रिक्वेस्ट करता हूं दुआ के तौर पर तो यह होगा खैर इससे भी एक स्टेप आगे है और वो स्टेप यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को इजाजत देगा और उनके लिए तादाद भी मुकर्र करेगा कि किसकी सिफारिश उन्होंने करनी है बुखारी और मुस्लिम में जो शफात वाली हदीसें हैं उसमें नबील इस्लाम फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला तादाद मुकर करेगा और जब मैं आखिरी दफा जहन्नम की तरफ जाऊंगा तो मुझे दारो जहन्नम कहेंगे कि अब आपका कोई उम्मती जहन्नम में नहीं सवाए उसके जिसे कुरान ने जन्नत में जाने से रोक लिया है वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा नबील इस्लाम की सिफारिश भी उसे काम नहीं आएगी और वो कौन है इन्ना में युशर्क बिल्ला फ़क्त हर्रम्हू जन्ना बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है बुखारी मुस्लिम हदीस है हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी थी मैंने अपनी वो मकबूल दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी है और मेरी उस दुआ से क्यामत के दिन मेरे हर उम्मती को नफा पहुँचेगा सवाए उसके जिसने शिर किया हुआ और मुस्लिम शरीफ हदीस है कि शब मज नबी इस्लाम को तीन तोहफे दिए गए नंबर वन आपको पांच नमाजों का तोहफा दिया गया नंबर टू बकरा की आखिरी दो आयात और नंबर थ्री जो आपका उम्मती शिरक नहीं करेगा अल्लाह तला उसे माफ कर देगा तो यह शिरक बड़ा सेंसिटिव इशू हैबूह ये है तुम्हारा रब तुम्हारा परवर दिगार बस उसी की इबादत करो जिसकी ये ये शान है शान क्या है आसमान उसने पैदा किए जमीन उसने पैदा की अर्श पर मुतमक्किन हुआ हर काम की तदबीर फरमाता है और उसके हजूर कोई सिफारिश भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकता अब मुझे बताएं इसमें से कोई एक क्वालिटी किसी छोटे से दर्जे में भी किसी और हस्ती को हासिल है तो कोई और अल्लाह की जगह नहीं ले सकता वही हकदार है कि उसकी इबादत की जाए अफ अला तदक करून क्या तुम गौर वफक्र नहीं करते नसीहत हासिल नहीं करते इले ही मर्जुम तुम सब के सब को उसी की तरफ मरकर लौटना है वाह हक़ा यह अल्लाह का सच्चा वादा है इन्ना यब्द उल खल्क बेशक वही है जिसने मखलूक को शुरू में तख्लीक किया था सुम युदू और फिर दोबारा भी वो इस अमल को दोहराएगा यानी मरने के बाद जो हम गल सड़ कर हड्डियाँ हमारी चूरा चूरा हो जाएंगी तो अल्लाह ताला दोबारा से वह तख्लीक करेगा जिस तरह जब हम कुछ नहीं थे तो उसने हमें पैदा किया तो अब उस चूरे से दोबारा से वो जिंदा कर लेगा बिलकिस और यह इसलिए होगा क्यामत वाले दिन ताकि वह बदला दे उन लोगों को जो ईमान लेकर आए और नेक अमाल किए इंसाफ के साथ यानी इससे पता चल गया कि यह पूरे के पूरा सिस्टम इस चीज के ऊपर खड़ा है कि अल्लाह ताला ने इस प्लेनेट अर्थ पे इंसानों को मखसूस टाइम के लिए भेजा है हर शख्स अपनी डेस्टनी के मुताबिक मौत के मुंह में चला जाएगा मर के मट्टी हो जाएगा फिर क्यामत वाला दिन अल्लाह ताला दोबारा से उसे ज़िंदा करेगा और जिंदा करने का मकसद ये होगा कि दुनिया में जो किए हुए अमाल हैं उनका बदला इंसाफ के साथ उस शख्स को दिया जाए अच्छे या बुरे अमाल हा सिबना हिसाब आमीन वीन काफ़रू और साइमटेनियस कंट्रास्ट आ गया है पहले अहले ईमान का जिक्र आया अब कुफार का जिन लोगों ने कुफर किया लहुम शराब मिन हमीम उनके लिए खोलता हुआ पानी होगा वह अजाब उन अलीम और दर्दनाक अजाब बीमा कानू यकफरून बावजह उस कुफ़र के जो वो दुनिया में किया करते थे कुफर से मुराद सिर्फ़ अल्लाह का इनकार नहीं है अल्लाह को मान कर अल्लाह के अहकाम को तोड़ना भी कुफर है अरबी ज़ुबान में कुफर कहते हैं इनकार करने को वो अपने अमल से भी इनकार हो सकता है अकीदे से भी इनकार हो सकता है अमल से तो मुसलमान भी इनकार कर रहे हैं हमारे यहाँ कुफर का मतलब जो है ना वो इतना गलत लोगों को पढ़ाया गया कि उसकी वजह से लोग घुमरा हुए कि खैर है ये तो काफरों के बारे में आयात है जबकि कुरान काफिर उसको कहता है कि जो अमल का कुफर करे या अकीदे का कुफर करे वह वा अकीमला वाला तकुन मिनल मुशरकिन और नमाज को कायम करना मुशरक ना हो जाना अब मुझे बताएं ये बात काफरों को की जा रही थी मुसलमानों को काफरों को तो कहा जाएगा कि नमाज से पहले तुम अल्लाह को मानो ये मुसलमानों को कहा जा रहा है कि देखना नमाज कायम करना मुशरक ना हो जाना और दूसरा ये माना कि मुशरक ही हो सकता है वो शख्स जो नमाज ना पढ़े मुसलमान हो के ऐसा हो नहीं सकता कि कोई शख्स नमाज छोड़ दे और इसे एक्सप्लेन किया नबी इस्लाम की उस हदीस ने जो सही मुस्लिम में टू फोर सिक्स है कि बंदे के कुफर और ईमान शिरक और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी हुई वही है जिसने सूरज को रोशन बनाया वल कौमर नूर ऑ और चांद को मुनवर किया ये नूर का लफ्ज इनडायरेक्ट लाइट के लिए इस्तेमाल हुआ सूरज को चिराग भी कहा गया है खुद से यानी रोशन और सूरज की रोशनी की वजह से इनडायरेक्टली जो जमीन से रिफ्लेक्ट होकर चांद के ऊपर पड़ती है वो भी मुनवर है वह कदरा मनाजिल और चांद के लिए मनाजिल मुकर की आप देखते हैं कि जब वो चांद निकलता है तो बिल्कुल बारीक होता है जब सात दिन गुजरते हैं तो बिल्कुल सेमी सर्कुलर हो जाता है यानी आधा रोशन होता है और आधा अंधेरे में होता है और जब चौदह दिन होते हैं तो पूरा रोशन हो जाता है और जब इक्कीस दिन होते हैं तो उस तरफ से आधा रोशन और आधा डार्कनेस में और यूं करते करते वो गायब हो जाता है तो ये एक आसमान पर अल्लाह तला ने कैलेंडर रख दिया आप अंदाजा लगा लेते हैं कि चांद की कौन सी तारीखें चल रही हैं उसकी मनाजिल मुकर की लिता आलमू आदाद सिनीन ताकि तुम बरसों की गिनती कर सको वल हिसाब और उनका हिसाब चांद के महीने जो है वो इस्लाम से पहले भी ल्यूनर ईयर्स एग्जस्ट करते थे वो बारह ही महीने हुआ करते थे और वो महीने इसी एतबार से कि चांद शुरू में बढ़ता जाता है और फिर एंड पे जा घट जाता है और यूँ एक पूरा महीने के अंदर वो अल्लाह त महीने का एक कैलेंडर रखा हुआ है उनतीस दिन का या तीस दिन का तो ये आसमान पे अल्लाह की तरफ़ से एक कैलेंडर है मा खलकल्लाज़ाली का अब بالحق، और अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को पैदा नहीं किया मगर पर्पज़फुल मकसद, हक के साथ युफ़लआयात अली क़ौमी या आलमून और अल्लाह ताला अपनी इन कुदरत की निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि जो इल्म रखने वाले लोग हैं वो इससे इबरत हासिल करके अल्लाह की शनाख्त कर सकें अब कुदरत की और निशानी अल्लाह ताला तो एक जिक्र कर तिक्र करफ तिलाफ़ लईली व नहार बेशक दिन और रात के आने जाने में लैलो नहार की जो ये गर्दिश है यानी रात के बाद दिन और दिन के बाद दोबारा रात ये जो मुसलसल सिलसिला है वमा अल्लाहु फिस ख़ल वल अर्द और जो कुछ भी अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा किया लयातल कौमी या तकून इसमें निशानियां हैं उनके लिए जो वाकई डर जाए डरेंगे कौन जो ये तमाम मखलूकत को देख के इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि इनको किसी ने पैदा किया है, तो मुझे भी किसी ने पैदा किया है। और मेरी मर्जी के बगैर पैदा किया है। और मुझे इस इम्तिहान में डाला है अगर मैंने उस रब को रिस्पॉन्स ना किया तो आखरत के दिन वह मेरी पकड़ कर लेगा अभी तक जो कुछ उसने मुझ पर हालात वारद किए मैं उन हालात से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सका तो आखिरत में भी जो अपने अम्बिया के जरिए उसने किताबों में नाजिल किया कि जो मेरे ताब फरमान है मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूँगा और ना फरमानों को जहन्नम में फेंकूँगा तो वह कर गुजरेगा ये तस्वुर इंसान को डरने पर मजबूर कर देता है और इंसान अल्लाह की तरफ रुझू लाता है इसी को कहते हैं मुतकी होना यही है हदल्लमुतकीुरान में हदायत है उनके लिए जो डर जाए बेशक वह लोग जो ये उम्मीद नहीं करते कि उन्हें हमसे मिलना है अच्छा ये जुमले बार बार आएंगे वो लोग जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं रखते यानी काफिरों के लिए या अल्लाह के नाफरमानों के लिए यह टर्म यूज की गई है सूरत के अंदर और यह बार बार टर्म रिपीट होगी कि जिन लोगों को यह उम्मीद नहीं है कि उन्होंने हमें मिलना है अब वो लोग वो भी हो सकते हैं जो क्या के दिन के मुनकिन हों दोबारा पैदा किए जाने के मुनकिन हों और वो लोग भी हो सकते हैं कि जो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि गोया वो दुनिया और आख़रत में हर मामले के ख़ुद मालिक हैं गोया उन्हें ये कोई टेंशन ही नहीं है कि उनको किसी ने पैदा किया है और उस रब के हजूर उन्होंने पेश होना है अपनी शक्ल दिखानी है अपने अमाल का जवाब दे होना है पैगंबर दुनिया में किस लिए आते हैं क्यामत के दिन की जवाबदेही और अल्लाह के हुजूर जो अल्लाह के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है उसका डर सुनाते हैं कि तुम्हें अल्लाह से क्यामत वाले दिन मिलने और वो मुलाकात ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपसे हाल अहवाल पूछना है कि हाँ जी ठीक हो सही पहुंच गए हो ना वो ये पूछा जाना है कि जो दुनिया में ज़िंदगी दी थी वो कैसे गुजारी है किताबें भेजी थी पैगम्बर साथ भेजे थे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी तो वो अल्लाह तरफ मारा है कि जो लोग ये उम्मीद नहीं रखते ना कि उन्हें मर के किसी से मिलना है मुलाकात करनी है हमसे बिल हयात दुनिया और दुनिया की जिंदगी पे ही वो राजी हो चुके हैं ए जहां मिठा अगला किसने डिठा ये वही चीज है वकमा अनु बिहा और वो इसी के ऊपर इतमान करके बैठ गए वीन हूं अन आयातीना गाफिलून और वो लोग जो हमारी आयात से गफलत बरतते हैं कैजुअल लेते हैं इन धमकियों को सीरियस नहीं लेते हमार यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना होगा जहन्नम बीमा कानू यकसीबून बसब उनके उन आमाल के जो दुनिया में वो किया करते थे देख जी सीधी सीधी बातें हो रही हैं मक्की सूरतों का उसलूब आप देख लें बिल्कुल दो टोक बात है यानी ये सूर्य यूनुस में अभी तक हमने ये सिर्फ सात आयात आठ आयात कवर की हैं और इसके अंदर आपको पूरे दीन का मुकदमा क्लियर हो चुका है कि इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है और अल्लाह तला कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा क्लियर कट कि दुनिया की जिंदगी को जिन्होंने सब कुछ समझ लिया है और उन्हें कोई उम्मीद नहीं कि उन्हें अपने रब को मुंह भी दिखाना है और मुलाकात होनी है और नबियों की जो पैरवी है उन्होंने उससे रूगरदानी की हुई है तो ठीक है हम उन्हें पूछ लेंगे अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट दीन आमनु बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए वह अमिलिहात और उन्होंने नेक अमाल किए सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है अमाल भी नेक हों यह दी रब हम भी ईमान हिम तो अल्लाह ताला उनके ईमान के सबब उनकी रहनुमाई कर देगा उनका रब तजरी तहती हिमुल अंधार ऐसी जन्नतों और बागात की तरफ जिनके नीचे नहरे बहती होंगी फी जन्ना तीम नागों के, के अंदर ऐसी जगह जहां पर नहरें बहती होंगी उसकी तरफ अल्लाह ताला रहनुमाई कर देगा यानी उनका अल्टीमेट जो इनाम है वो अल्लाह की जन्नत है अल्लाह हम अल्ला जन्ना बिहिन वद्दीकिन शुहदाईन आमीन दाह जन्नत में जाने के बाद भी जो उनकी सदा होगी ना वहां पर जन्नत को देख कर वो यही होगी सुबह नकल्ला पाक है हमारा रब अल्लाह को पुकार के वो कहेंगे अल्लाह तू पाक है वह तहय्यत हम फी हा सलाम और वहां उनकी एक दूसरे को दुआ होगी सलाम यानी जन्नती एक दूसरे को जब भी मिलेंगे असलामकम कहेंगे यानी ये जन्नतियों की निशानी है दुनिया में भी सुन्नत है मशरू है और जन्नत के अंदर भी वह आखिराहबिलामी और जो आखिरी बुकार होगी ना हर जन्नति की वो यही होगी अलहमद ला रबालमीन तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है यानी जन्नती अल्लाह ताला की जो जन्नत में तारीफ करेंगे ना बसब उन नेमतों के जो एक जन्नती को मिली कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया हमेशा की जन्नत मुकर्रर हो गई जिसमें ना मौत है ना बुढ़ापा है ना मुफलसी है ना कोई तकलीफ है और हर वो चीज है जो इंसान चाहे तो इंसान सुबहान अल्लाह कहेगा अल्लाह ताला की तारीफ करेगा कि अल्लाह तू पाक है जिसने मुझे सब कुछ दिया और अपने खुशी जज्बात के इजहार के, के लिए जो आखिरी कलाम उसका होगा ना वो होगा अल्हमद्लाबीन तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है सुबह का रब्जत अम्मा सिफोल वसलाम आलमरसलीन अल्हमदी सूर्य अजुमर के एंड पे भी जाके आएगा कि हर तरफ से जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे जहनमी जहनम में पहुंच जाएंगे फिर हर तरफ से एक इनारा बुलंद होगा आलमीन यानी ये समझ लें क़यामत के दिन का ड्रॉप सीन ये है कि सब लोग ये कहेंगे अल्लाह अल्ला देखना रब्बिल आलमीन कोई बुजुर्ग नहीं कोई बाबा नहीं भाई जितने अम्बिया दुनिया में आए अम्बिया के पैरोकार जो दावत तबलीग का काम करने आए सब के सब उस अल्लाह का तारुफ करवाने के लिए आए ना जब इंसान अपने रब के पास पहुंच जाएगा फिर अल्लाह ही अल्लाह है। इंसान की जुबान से यही निकलेगा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमारी रहनुमाई कर दी है इस जन्नत तक अल्ला फिरदौस अल्लाका जन्नतबीन वद्दीक़ी व शहदा आमीन अब जी कुछ इंसानी रवैये उनको एड्रेस करते हुए तौहीद की तरफ बुला रहा है ज्लान्ना से शर और अगर अल्लाह तला जल्दबाजी करता लोगों को तकलीफ पहुंचाने के एतबार से लन्ना से शर्रस्जा लहुम बिलखीर जिस तरह इंसान जल्दबाजी करते हैं भलाई के एतबार से लकउिया इलाहिम आजा लूहुम तो अल्लाह ताला पूरी कर देता उनकी मियाद यानी जिस तरह इंसान की ख्वाहिश है ना कि मुझे आसाइश जल्द अज जल्द मिल जाए अगर अल्लाह ताला भी जल्दबाज़ी करता ना कि जो शख्स गुनाह कर रहा है उसे फ़ौर सजा दे तो मामला कब से तलपट हो चुका होता है यानी अल्लाह तला गुनागारों को ढील देता है यानी इंसान को ये टॉन्ट करवाई जा रही है कि जिस तरह तेरी ख्वाहिश होती है ना कि मेरे हालात बेहतर हो जाएँ और तू इसके लिए पूरी एफर्ट पुट करता है मैं भी अगर इस तरीके से छोटी छोटी बातों के ऊपर नकीर करना शुरू कर देता तो कब से तेरा मामला तलपट हो चुका होता फनाजारदीन अला अर्जून अल कौ अनाफी तो बल्कि हम छोड़ देते हैं उन लोगों को जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें यानी अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने मौत के वक्त और आखिरत में उन्हें पकड़ना है दुनिया में अगर किसी फासिक को फाजिर को जालिम शख्स को ढील मिली हुई है तो वह यह ना समझे कि अल्लाह ताला उस ते गिरफ्त नहीं कर सकता दो वजूहत हो सकती हैं या तो अल्लाह ताला उसे ढील दे रहा है शायद वो अल्लाह की तरफ पलट आए एक और चांस मिल जाए या फिर यह है कि वो अपनी गुमराही में और बढ़े और जब वो अपनी गुमराह में ज्यादा बढ़े तो ज्यादा अजाब का मुस्तक हो वले आज बिल्ला तो यहां पे भी देख ले वही टर्म आई है कि जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते वह इदा मसल इंसान गुरुदाना ली जम भी औकाइदा जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है करवट पे लेटे हुए भी और खड़ा हुआ भी औकाईदन अवका इमा और खड़े हुए भी बैठे हुए भी लेटे हुए भी और खड़े हुए भी तीनों हालतों में उठते बैठते हमें है कि अल्लाह मुझसे ही तकलीफ दूर कर देफ ना बस जब हम उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं ना मर्र काम यदना इलाम मसाह तो वो इस तरह चल देता है पीठ फेर के गोया उसने कभी हमें तकलीफ में पुकारा ही नहीं था ज़ाहिर जब तकलीफ दूर होगी तो अब फिर वो अल्लाह की तरफ मुतव नहीं होता जाम तिरमजी में हदीस है जो शख्स ये चाहे कि मुसीबत और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो तो जब वो आसूदा हाल हो उस वक्त भी अपने रब को याद किया करे तो अल्लाह ताला भी उसकी मुसीबत और परेशानी में दुआ को कबूल करेगा बहरल अल्लाह तला तो अता फरमाने वाला है ना की भी सुनता है उनकी तकलीफ दूर करता है और तकलीफ़ दूर होने के बाद वो इस तरह गायब होते हैं हमने भी अपने मुआरे में कई लोग देखे हैं जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो तस्वीर उठा के टोपी पहन के हर वक्त मस्जिद में ही बैठे रहते हैं किसी के पेपर होते हैं किसी का रिश्ता नहीं हो रहा होता किसी के कारोबार का इशू होता है और जैसे ही मामलात बिल्कुल सेटल हो जाते हैं फिर वो आपको नज़र नहीं आते उन लोगों की तरह जो फसली बटेरों की तरह रमज़ान के महीने में आपको मस्जिद में जाते हुए नज़र आते हैं ये तो मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है बिल्कुल गायब हो जाते हैं वो स्क्रीन से आउट हो जाते हैं और ये अल्लाह ताला ने जो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताया है ना कि वो हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं जब मुश्किल वक्त आता है लेकिन जब वो मुश्किल टल जाती है तो इस तरह पीठ फेरते हैं गोया उन्होंने कभी हमें मुसीबत में पुकारा ही नहीं था कदाली का जही न दिलमशरफी माकान बिल्कुल इस तरीके से आरास्ता कर दिए हैं अल्लाह ताला ने हद से जो बढ़ जाने वाले लोग हैं उनके बुरे अमाल उनकी नज़रों में संवार दिए यानी ये इतनी जलील हरकत है उसके बावजूद उनकी तवज्जो नहीं जाती कि ये हम कितनी एहसान फरामोशी कर रहे हैं कि जिस अल्लाह की तरफ हम तकलीफ़ में मुतवज्जे हुए उससे सुलह की जब उसने हमारा काम कर दिया तो बजाय ये कि हम शुक्र गुज़ारी की रविश इख्तियार करते और पूरे पैशन के साथ मुस्तकबिल में भी ज़िंदगी उसकी ताद में गुजारते उसे बगावत करना शुरू कर देते हैं वलाकद अहलकनल क़ुरून और बेशक हमने कई कौमों को हलाक कर दिया मिन कबली तुमसे पहले जो थी लम्मा वमू जब वो जुल्म किया करते थे गुनागार थे वज़ात हम रसुल हम बिल और उनके पास भी उनके वक्त के पैगम्बर रोशन दलाए लेकर आए थे व माकान लिय मिनू लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि ईमान ले आते कज़ाली का नडजिल कऊ मल और बिल्कुल इस तरीके से हम सजा देते हैं मुजरमीन कोम खला फिल अर्द इसके बाद ज़मीन पर हमने खलीफा किया तुम्हें दि उनके जाने के बाद लेना जूरा कई फतः अमलून ताकि अल्लाह तला ये देखे कि तुम कैसे अमाल करते हो यानी यह इंसानों को बताया जा रहा है कि जो तुम दुनिया में आबाद हो ना तुमसे पहले भी कौमें आबाद थीं उन्होंने भी अपने वक्त के पैगमरों का इनकार किया और तबाह वर्बाद हुए उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें लेके आया वो भी ये समझते थे हम पे कोई बुरा वक्त नहीं आएगा जिस तुम समझ रहे हो तो ये तुम कोई नए नहीं इस दुनिया पर आबाद तुमसे पहले भी इसी तरीके से हम ब्याह के नाफरमान होते थे तबाह वर्बाद हो जाते थे तो ये अगले लोगों की कोई कहानियाँ नहीं है ये इस तरीके से होता रहा और अब तुम भी उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हो या तुना बीनात और जब उन पर पड़ी जाती हैं हमारी रोशन आयात هذا, तो वो लोग जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते ना वो कहते हैं कोई और कुरान लेकर आओ आउ बददिल या इसे तब्दील कर दो ये कुरान तो इतना सख्त है ए नबी कोई कंप्रोमाइज करने वाली सिचुएशन को इख्तियार करो कुरान कोई और लेकर आओ ये मैं आपको बताता हूं कि कुरान की तोहद इतनी सख्त है कि लाखों लोगों ने उस जमाने में इस तरह नहीं सुनी नबी नबीसलाम के मजमे में लाखों लोग नहीं होते थे हज़रत नूसलाम जब तोहीद बयान करते थे साढ़े नौ सौ साल तक सिर्फ अठहत्तर बंदे ईमान लेकर आए क्योंकि वो तोद ऐसी थी कि जिन लोगों ने वो हक़ कबूल नहीं करना उनके लिए उससे ज़्यादा कड़वी चीज़ ही कोई नहीं है जो कबूल कर ले उनके लिए उससे ज्यादा मीठी चीज ही कोई नहीं है इंसान अपनी जान दे देता है लेकिन तोहेद से रू गर्दानी नहीं करता लेकिन ये उसके लिए जिसे बात समझ आ जाए या जो समझना चाहे तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब हमारे रोशन आयात यानी बिल्कुल क्लियर कट आयात नंगी बातें इनके सामने की जाती है ना बगैर किसी तरद के तो ये कहते हैं कि ए नबी इस कुरान को बदल दो या कोई और कुरान लेके आओ जरा मीठी मीठी जरा बातें हो उसके अंदर ये क्या सख्स बातें देख लें ये बातें जितनी आई हैं वाकई वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मानोगे जन्नत मिलेगी नहीं मानोगे जहन्नम में जाओगे और अल्लाह को परवाह भी नहीं इसकी कोई कुल मा यकून उली अन अभी तुम फरमाओ कि मुझे तो कोई इख्तियार नहीं है कि मैं इसे बदल सकूं मेन तिल कौ इनफसी अपनी मर्जी से मैं इसमें से कोई चीज ना निकाल सकता हूं ना दाखिल कर सकता हूं मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं अल्लाह की किताब को बदल सकूं और यही बात खत्म नहीं है इन तबा इलाइया मैं तो खुद पाबंद हूं उस वही का जो मेरी तरफ की जाती है मैं तो खुद उसकी पैरवी करने वाला हूं यानी तुम मुझे कह रहे हो कि कुरान बढ़ सकता है इसे बदल दो या कोई नया कुरान ले आओ और मैं तो खुद पाबंद हूं इस बात का कि जो मेरी तरफ वही आई है मैंने भी उस पर अमल करना है सिर्फ तुम्हें नहीं बुला रहा अल्लाह की तरफ मैंने भी अपने रब का ताबे फरमान उसी तरीके से होना है जिस तरह मैं तुमसे डिमांड कर रहा हूं इन अ इन आसई तो रबी आदाब यमिन अवईम मैं तो खुद खौफ रखता हूं इस बात का कि बिलफर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा लेकिन यह वो आयत है जो सख्त तरीन आयत कुरान की सूर यूनुस में आई है सूरतुलनाम में आई है सूर अजुमर में आई है कुरान में तीन जगह ये आई है बाकी दो जगहों पे तो सात कुल का भी लफ्ज़ है कुल इन्नी अखाफ इन आसई तो रबी आदा यौम इन अदीम अनबी तुम फरमा दो कि अगर मैं भी अपने रब की ना करूं तो मुझे खौफ है कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा यह तो हम एहतराम साथ ब्रैकेट में लगा देते हैं बिलफर्स ये कुरान में कहीं नहीं है या इन सब ने ब्रैकटें लगाई हुई होती हैं तो इनसे जरा पूछे ब्रैकटे जो लगाते हो तो कुरान की तारीफ कर रहे हो वो कहते नहीं समझाने के लिए ब्रैकेट लगानी पड़ती है कि ये नबी के जरिए से उम्मत की असलाह की जा रही है इसका मतलब है ब्रैकेट में अगर कोई तफसीर के तौर पर बात की जाए तो वो कुरान की तारीफ नहीं होती यकीन नबी तो कतई जन्नती है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे उनके जरिए से उम्मत को कहलावाया जाता है उम्मत को इसलिए कहलवाया गया था कि कोई उम्मती कल को उठ के ये कहे कि तुम हमारे सिलसिले में बैठ हो जाओ मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक के सारे मुरीद अपने साथ ले ना जाऊं अंदाजा करें यानी नबी के होते हुए नबी की मुबारक जुबान से जब यह कहवाया जा रहा है कि नबी तुम फरमाओ कि मुझे खुद खौफ है कि अगर मैंने अपने रब की ना की तो बड़े दिन का अजाब मुझे आप पकड़ेगा तो यह कहते हैं ये इसलिए था ताकि उम्मत को डर सुनाया जाए और उम्मत इतनी दिलेर है कि उम्मत का एक बाबा खड़ा होकर कहता है कि जी मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं हूंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को लेना जाऊं कितने लेना जाए जिसे तू जाना है जन्नत की गारंटी तो कोई नहीं है बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है इस्लाम ने अपने एक एक रिश्तेदार को पुकारा जब सूर्य अश्रा की वो आयत नाजिल हुई ना क्या नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए तो नबी इस्लाम ने एलानिया कहा ए नबी के चचा अब्बास मेरे माल से जो लेना है ले ले अगर अल्लाह के हजूर तू पकड़ा गया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा ए नबी की फुपी सफिया मेरे माल से जो लेना है ले ले माल तो मैं तुझे दे के एंटरटेन कर सकता हूं लेकिन अल्लाह के हजूर अगर तू पकड़ी गई मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा ए नबी की बेटी फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार भी है बुखारी मुस्लिम में आया मेरे माल से जो लेना है ले ले अगर अल्लाह के हजूर तू पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा ये सारी बातें क्या इसलिए की जा रही थी कि इसके बाद इन आयात और अहदीस की तिशरी आगे से की जाए ऐ नहीं जी सामू समझाने अल्लाह के नबी तो कदम गुरा नहीं कर सकते बिल्कुल आई है तो समझे हो तुम तो वे समझ गए नबी के बाद तो सारे बराबर है ना चाहे हजूर के जमाने का कोई इंसान है वो भी फॉलोअर है चाहे क्यामत वाले दिन तक जो आखिरी इंसान है वो भी फॉलोअर है मर्द में फर्क जरूर हो सकता है लेकिन फॉलो तो सब ने करना है धमकी तो सबके लिए है मुझे बताएं अगर फातिमा के लिए धमकी है बाकी तो कोई साहबी शाही कोई नहीं ना फातिमा जैसा है ही कोई नहीं बाकी साहबात शाही कोई नहीं सबसे करीबी हुजूर की बुहारी मुस्लिम हदीस है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी बुहारी मुस्लिम की हदीस के जन्नती औरतों की सरदार जो ले लेना है ले ले अगर, अगर अल्लाह के हजूर पकड़ी गई कुछ काम नहीं आऊंगा और बुहारी मुस्लिम हदीस के मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे मैं उसके भी हाथ कटवा दूंगा तो सरकार बाकी तो कुछ है नहीं है यह सैद फातिमा के जरिए पूरी उम्मत को अनाउंसमेंट की जा रही है और ये बाबों को लेकर बैठे हुए हैं भाई हम तो नबी इस्लाम के जमाने में भी किसी शख्स के बारे में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह धौस और जबरदस्ती अपनी नफरत करवा सकता है या किसी को साथ लेके जा सकता है जन्नत में तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं साहबा जैसा है ही कोई नहीं तेरे बाबे ताही कोई नहीं आहलुल्बैत जैसा है ही कोई नहीं तेरे बाबे ते शाही कोई, कोई, कोई नहीं तो ये इसीलिए देखे काम सही डाला है उन्होंने कुरान ड्राइट नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे हो गए गुमराह सी गुमराह हो गए आपके नजरियात से और आप गुमराह हो गए कुरान सुन्नत के नजरियात से हम आपके बुजुर्गों के गलत नजरियात से गुमराह होकर इस्लाम की तरफ आ गए और आप इस्लाम के नजरियात से गुमराह होकर अपने बाबों के पीछे लग गए क्योंकि आपने कुरान सुन्नत पढ़ी नहीं थी शाह मा तलऊ मा तलाऊ तुह नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह ही चाहता तो मैं कभी कुरान तुम पर ना पढ़ता वला अदरा कुम भी और ना अल्लाह ताला तुम्हें इस किताब के ऊपर मुतला करता अल्लाह अकबर यानी ये अल्लाह की मर्जी थी यानी मुझे खुद भी नहीं पता मुझे अल्लाह ताला ने मबूस किया इस काम के लिए एक और जगह कुरान में आया कि नबी तुम फरमा दो कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरी तरफ ये वही नाजिल होगी यानी मैं कोई धाक लगाए नहीं बैठा हुआ था एतबार से कि मेरी तरफ कोई वही आनी थी नबील इस्लाम तो एक बड़ी डायनामिक लाइफ गुजार रहे थे जब आपकी उम्र मुबारक का चालीसवां साल शुरू है तो अचानक आप दुनिया से दिल आपका उचाट हुआ क्योंकि अगर नबील इस्लाम शुरू से ही कोई इस तरह की तपस्या कर रहे होते किसी गार में बैठ के तो लोग कहते कि यार इतने सालों से बैठा हुआ था कुछ ना कुछ तो इसने निकाल डाना था उसमें से आपकी जिंदगी को अल्लाह ने इसलिए इतना डायनेमिक बनाया कि कोई काल को एतराज कर ही ना सके एक चलता फिरता एक्स्ट्रोवर्ट इंसान जो एक मक्के की अमीर तरीन औरत का खामद है जो तजारत कर रहा है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है अचानक जब उसकी जिंदगी का चालीसवां साल आता है और उसका दिल दुनिया से उचाट होता है और चंद दिलों के लिए अल्लाह तला उसकी रहनुमाई करता है गारे हिरा की तरफ और वह भी उसकी बीवी उसे खाना बांध के देती है साथ अंदाजा करें बुहारी मुसिम आया कि नबील इस्लाम अपना खाना घर से लेके जाते थे इनके बापे निगाह मार के तो ये वो करते थे अंदाजा करें और अपना खाना साथ लेके जाते थे और वहां पे फरिश्ता आता है और वो सारे का सारा सिलसिला इस्लाम के लिए एक मुश्किल जिंदगी का आगाज शुरू हो जाता है और इस लेवल की मुश्किल जिंदगी के वो लोग जो पहले आपको सादिक और अमीन कहते थे वही आपके जान के दुश्मन बन गए हती कि आपको बावन साल जिस शहर में आपने जिंदगी गुजारी वो शहर भी छोड़ना पड़ गया कोई ऐलानिया नहीं रात के वक्त अंधेरे में आपके सर की कीमत सौ ऊंट लग चुकी हुई है और उसी में आपको सौर में भी तीन दिन के लिए रुकना पड़ा और फिर उसके बाद भी कोई मदीने में जाके नबील इस्लाम की जिंदगी को सुकून की नहीं है जंगों से इबारत है दो हिजरी में गजब बदर तीन में ओहत पांच में खंदक छह में सुलहुदेविया सात हिजरी में गजब खैबर आठ में फतेह मक्का और आठ ही में गजबा हुनैन और नौ में रोमन अंपायर के खिलाफ गजब तबूक और ग्यारह हिजरी के स्टार्ट में डेथ हो गई पूरी की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत है यानी इतनी सुकून की जिंदगी जोर की गुजर रही थी चालीस साल सुकून से गुजारे हैं लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी तेईस साल आपके मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है जंगों की तकलीफ उठाने का नाम है अपने करीबी साथियों की लाशें उठाने का नाम है अपने घर वालों की तकलीफ से गुजरने का नाम है तीन बेटियां जवान फोत हुई बेटे फोत हुए अपने हाथों से दफनाए करीबी साथी शहीद हो गए जंगों के अंदर और क्या क्या तकलीफें आपको मुस्कबिल के लिए भी बता दी गई कि आपके नवासों के साथ ये होने वाला है आपके फुली के साथ ये होने वाला है आपके बाद अगर आप नबील इस्लाम की जगह अपने आप को रख के देखें तो इतने मजबूत असाब का इंसान आपको कोई और नजर नहीं आएगा एक तो जिंदगी में तकलीफ और यह भी बताया जा रहा है कि आपके बाद यह होना है हम तो माजी में याद करके उन वाकत को कितनी तकलीफ से गुजरते हैं जिस शख्स ने अपनी मेहनत से सारा का सारा ये सिस्टम कायम किया और उसे बताया जा रहा है कि तीस साल के बाद खिलाफ राशद ख़त्म हो जाएगी ये कत्ल गारश शुरू हो जाएगा और फिर आप ख़ुद बता रहे हैं बुखारी मुस्लिम अहदी है कि जिस तरह अगली कौमें तबाह बर्बाद हो गई थी दुनिया के माल में डूब गई थी मुझे तुमसे ये ख़तरा नहीं कि तुम शिर करने लगो तुम भी आपस में एक दूसरे को कतल करोगे और तबाव बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले लोग क्योंकि ये अल्लाह की सुनत है हर रूज को जवाल है ये जेहन में रखिएगा ये हो ही नहीं सकता कि उरूज हमेशा कायम रहे ये अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है अल्लाह की सुन्नत यह है कि अल्लाह ताला उरूज जब देता है ना तो फिर एन उस उरूज के अंदर इस तरीके से वो रस्सी खींचता है कि दोबारा से डाउनफॉल शुरू हो जाता है दुनिया में किसी ने उरूज हमेशा नहीं देखा आप मुसलमान देखें कि कोई मुकाबला ही नहीं था सामने और यूरोप तक पूरे का पूरा सिस्टम फैल गया बस वो हजूर की वफात के एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सौ साल के बाद एक जंग मुसलमान जो है वो फ्रांस वाली जंग हार गए वरना वो जंग जीत जाते हैं तो पूरी दुनिया पे कब्जा हो जाता है लेकिन वो अल्लाह ताला एंड टाइम पे खींचता है क्योंकि किसी को फ्री हैंड नहीं दिया जाता तातारी किस तरह हर चीज़ को मलिया मेट करते जा रहे थे तो एनुल उलजालूद के अंदर जाके वो उनको शिकस्त हुई वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया スルતનત ઉસ્માનિયા 600 સાલ તક આજ જના વો ઇતના સા ટર્કી મુલક રહે ગયા તુર્કીય કીદર 3 બરે આઝમો મે ફેલા ہوا આફрика સે લેકે યુરોપ ઓર યહા એશિયા ભી سارے کا سارا તો અલ્લાહ તઆલા અલ્ટીમેટલી હર ઉરૂજ કો ઝવાલ દેતા હૈ યે અલ્લાહ કી સુન્નત હૈ તો નબીલ સલમ કી જિંદગી તકલીફ સે ઇબારત થી જી તો અલ્લાહ તઆલા ઉસી જિંદગી કા जिक्र करते हुए कह रहा है कि ए नबी इनसे फरमाओ कि अगर अल्लाह ही ना चाहता तो मैं ना यह कुरान तुम पे तलावत करता और ना तुम्हें इस किताब से आगाह किया जाता फ़कद कबली तो बेशक मैं उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा एलान नबूज से पहले तुम में गुजार चुका हूँ अफलाता क्या तुम अकल नहीं रखते अच्छा लोग इस आयत का एक पहलू लेते हैं कि जी देखें नबीसम ओानबू से पहले भी एक परफेक्ट लाइफ गुजार रहे थे अल्लाह ताला ने इस्लाम की ओली नबू से पहले की ज़िंदगी को दलील बनाया है इस दीन हक़ की कुरान की तोहद की बिल्कुल ये सेकेंडरी रिज़ल्ट है प्राइमरी रिज़ल्ट असल में इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ये जो किताब है मेरी ज़िंदगी खुली किताब थी तुम्हारे सामने इससे पहले मैंने कभी कोई इस तरह का कलाम तुम्हारे सामने नहीं पढ़ा ये इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह ताला ने मेरे साथ गैर मामूली मोडजा किया है मुझे पैगंबर बना के मबूस किया है ये आयत इसलिए नहीं थी कि नबी इस्लाम की इससे शान बयान करनी थी आपने ये इसलिए थी कि नबी इसलाम के नबूत का मकसद पता चलता और नबी इस्लाम की नबूत को इस्टबलिश किया जाता तो क्या तुम्हें अकल नहीं है कि मैंने उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा तुम में गुजारा है फमन असलमन इफ्तरा कदीबा तो उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांध दे यानी जब मैं सादेक और अमीन था तुम्हारी नजर में और मैं वाकई सादिक और अमीन हूं और मेरी जिंदगी इस बार गवाह है तो उससे बड़ा झूठा कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांध दे कि वो अल्लाह का पैगंबर है देखे इस कायनात में सबसे बड़ा को झूठ शिरक के बाद अगर कोई है ना तो वो ये है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं सबसे बड़ा झूठ यही है ना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दे ये तो नंबर वन झूठ हो गया इस कायनात का क्योंकि तोहहीद कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई झूठ हो सकता है ना सबसे बड़ा वो ये है कि कोई शख्स जो अल्लाह का पैगंबर नहीं है और वो दावे पैगंबरी करते इसीलिए हम झूठे पैगंबरों को दज्जाल कहते हैं धोखाबाज दजल करने वाले तो ये उस तरफ इशारा है कि बताओ उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांध दे मुराद क्या कि वो ये कहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं तो जब मैं सादिक और अमीन हूं और मेरी जिंदगी इस पर गवाह है तो मेरे से बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह के ऊपर झूठ बांध दूं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि तुम भी मानते हो कि मैं झूठा नहीं हूं भी आयाती या सबसे बड़ा फिर वो झूठा होगा जो अल्लाह की आयात को झुटलाएगा तीसरे नंबर पर उसका नंबर आ जाएगा कि जिसे यह पता चल जाए कि यह अल्लाह का पैगंबर है और यह अल्लाह की आयात है और वह उसे झुटला दे पहले नंबर पर झूठा कौन जो अल्लाह के साथ शिरक करे दूसरे नंबर पे कौन कि वो दावे नबूत कर दे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और वो ना हो और तीसरे नंबर पे कौन के वाकई अगर कोई पैगंबर उसके सामने आ जाए उसे पैगंबर मानने से इनकार कर दे वो सबसे बड़ा झूठा है अल्लाह की आयात का इनकार कर दे इन्नाजरमून बेशक जो मुजरिम लोग हैं जो तबाही के ऊपर उतरे हुए हैं गुमराही के ऊपर उतरे हुए हैं इनकार करने के ऊपर उतरे हुए हैं उन्हें कभी अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी वून अम इंदून और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की माला या बुरुहम वाला फाहुम जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफा अच्छा फौरन जब आप तो के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की ही नहीं देखे जी हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं अगला हिस्सा छोड़ देते हैं अल्लाह तला नफ़ी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा बल्कि यह भी कर रहा है कि यह हस्तियाँ ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफा एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है उसकी कोई इबादत नहीं करता ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन यह कीदा रखता है कि यह मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है इसके नाम की मैंने ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं तो आप भी शिरकी कर रहे हैं और शिर क्या है आदि आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफी की है सरकार साथ जिक्र किया है माला जो हस्तियां ना इन्हें नुकसान दे सकती हैं ना नफा दे सकती हैं वह यकूल ऊना और ये कहते हैं हाउला वो कहते हैं नहीं हम इनको तो पुकार इन रहे। ये ही रहे अल्लाह के हजूर हमारे सिफारशी हैं सेम वही मटैलिटी ऐसी दाता साहब को तो नहीं मंगते अल्लाह के हजूर साढ़े सिफारशी ने हम सुल्तान हिंद से तो नहीं मांगते, हम मांगते। ये हम अल्लाह के हजूर इन्हें अपना सफारशी मानते हैं पीछे ही अल्लाह है कि पीछे कोई और है नहीं पीछे अल्लाह है जी सामने नहीं है सरकार फिर इसका जवाब अल्लाह तला ने जिस अंदाज में दिया है ना वो ऐसा अंदाज है कि अगर हम खुद से देते तो ये कहते कितनी गुस्ताखाना बात कर रहे हो अल्लाह तला फरमा है कुल क्या तुम अल्ला को वो बात बता रहे हो जो अल्लाह के भी नहीं है ना आसमानों में और ना जमीन के है 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 है। के तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि ना हो अल्लाह तला देखे गुस्से का इजहार अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस फारसी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्र कि मनु तो कोई नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्र किया अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी है अल्लाह कह रहा है मेरे में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सफारशी होगा व तआला अम्मा युशरिकून पाक है वो हस्ती बहुत बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं और मुश्रको अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो तुमने गलीज अकीदे वाबस्ता कर दिए और हस्तियों के साथ Allah को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देखें जी अल्लाह तला तो अपने अकायद और नजरियात के अतबार से बिल्कुल सच्ची और खरी तोहिद कुरान में बयान कर रहा है किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे अल्लाह तला ने यह भी परवाह नहीं की कि लोग क्या बात करेंगे किस लेवल पर उतर के अल्लाह तला बता रहे आप देखें इससे बेहतर और क्या अंदाज सिंपल और बेहतर और बिल्कुल खुला डुला अल्लाह फरमा रहा है नबी इनसे फरमाओ क्या तुम अल्लाह को बता रहे हो वो चीज जो अल्लाह के इल्म में तो जमीनों आसमानों के अंदर है ही नहीं है कि कोई अल्लाह ने अपना कोई सिफारशी मुकर किया हुआ है कि जो नफे नुकसान का मालिक है जब हम नए नए रिवर्ट हुए ना दो हजार आठ नौ की बात है तो मैं एक और साइट पर अपने भाइयों के साथ गया तो वहाँ एक दावत इस्लामी के भाई थे तो वो नमाज पढ़ाते थे हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते थे रफुलदैन के साथ वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो हमारे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि हमें तो ये लोग मुशरक और काफिर समझते हैं अब उन्हें पता ही नहीं था कि ये मखलू कौन सी है तो खैर हमने उनसे गप शप शुरू की कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी आप हमारे घर आएँ चाय पिलाएं आपको और वो ये चाह रहे थे कि हम दावत रखें और हम चाह रहे थे हम उनके सामने दावत रखें हम उनके घर चले गए जी उन्होंने वहाँ से जाल हक निकाली अब जाल हक तो मैं उस वक्त पढ़ता था जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली हुई थी नाइन्टी फोर के अंदर एफ एस सी में उसमें जितनी चक्करबाजियाँ दी गई हैं गैरुल्ला से पुकारने के लिए मदद मांगने के लिए वो सारी तो हमारे इल्म में थी तो वो कहने लगा आपको हम पे इतराज़ क्या है तो मैंने उनको यही आयात पेश की कि भाई आपका जो अकीदा है ना मरे हुए लोगों के बारे में ज़ाहिर इस बाब में तो आप काफिर से भी मदद लें वनुडल बर्री व तकवाला नेकज गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो बुराई में अलग रहो लेकिन जो दुआ है ये सिर्फ अल्लाह के साथ खास है इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन इबादत अल्लाह की होगी मदद उससे मांगी जाएगी दुआ वाली अम्मा युजीबुल इदा दा भला बताओ तो कौन है जो तकलीफ में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है व शिफ उ और उससे उसकी बुराई को दूर कर देता है वह यज आलकुम खलफाद और तुम्हें ज़मीन पर अगलों का खलीफा करता है अला क्या अल्लाह के साथ कोई और महबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो कली लम्बा तक करो बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो तो मैंने कहा इसमें वाजे लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के सिवा कोई भी हस्ती कोई पैगम्बर जिन फरिश्ता कोई बुजुर्ग बाबा जिसे आप यह समझते हैं कि वह दुआ कबूल करता है गोया आपने उसे महूद मान लिया तो कहने लगा कुरान में जिस तरह तोहिद के अतबार से आयात आती हैं ये सब की सब इससे रिलेटेड हैं कि आप उन्हें अल्लाह के पैनल में रब मानो अगर अल्लाह का बंदा समझ के करो तो फिर कोई मसला नहीं है क्योंकि वो तो हिजबुल्ला है अल्लाह की पार्टी के लोग हैं तो मैंने उसे बताया कुरान में तो एक आयत ऐसी है जो आपके सारे के सारे वसुसे को सेटल करती है बनी इसराइल में भी है सूरतुलमादा से मैंने कहा कि ये पढ़ो अब ये वो चीज़ थी जो जाल हक में तो ना उन्होंने लिखी ना ये मसला उनसे हल होने वाला था क्योंकि अल्लाह तबारक व ताली ने सूरतुलमादा के अंदर ईसीब अपने मरीम को सेंटड करके उनकी माँ को सेंटड करके बिल्कुल खोल कर तोहद बयान कर दी तो आयत नंबर ये सेवनटी फाइव मलमसी अब्न मरियमा रसूल ई साब मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल कदख़लत मिनबल हिर रसूल उनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं वह उम्म सिद्दीका और उनकी माँ सच्ची औरत थी काना या अकुल दोनों खाना खाने के मोहताज थे अनजुर उनफा फकून देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं और फिर इनकी तरफ देखो जो उल्टे पढ़े जाते हैं उल अताबून अमिन ए नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो एक तो मिंदून इन्हें कह दिया जो ये कहते हैं जी बुतों के बारे में यहां ईसा ने मरियम और उनकी वालदा को मिंदूनला कहा क्या इनकी इबादत करते हो तो कहने लगा देखे ना जी हम तो इबादत नहीं करते हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते मैंने कहा निके माना यम नफा जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के वल्लाहु समीउल अलीम और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है मैंने कहा पिछले इसे को छोड़ दे अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी मां ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के तो शेख अब्दुल कादर जलानी थे शायद कोई नहीं ईसा के जैसा है ही कोई नहीं तेरा अब्दुल कादर जलानी थे शायद कोई नहीं मरियम जैसा है ही कोई नहीं तेरी राबिया बसरिया थे शायद कोई नहीं अगर वो नफे नुकसान के मालिक नहीं है ले जाओ अपने बापे सुबह नकल्लाई وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا